हाईकोर्ट का आयाता मैदान जंग बन गया है। मदई पार्टी ने पसंद की शादी करने वाली लड़की की दुर्गत बना दी। लड़की की वालदा ने इल्जाम लगाया कि लड़की ने धोखे से बेटी से शादी की है, मुलाकात भी नहीं करने देता। मुतासर लड़की का कहना है कि पसंद की शादी की है, वालिदैन जबरदस्ती साथ ले जाना चाहते हैं। खबर दे रहे हैं आपको, लाहौर हाईकोर्ट का अहाता मैदान जंग बन गया है। मदई पार्टी ने पसंद की शादी करने वाली लड़की की दुर्गत बना डाली। लड़की की वालदा ने इल्जाम लगाया कि लड़की ने धोखे से बेटी से शादी की है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज नए मलिक से। नए मलिक बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये आज लाहौर हाईकोर्ट में पसंद की शादी का केस लगा हुआ था, जिस पर लोहा हकीम थे वो कोर्ट रूम के बाहर गुतम गुता हो गया। पसंद की शादी करने वाली लड़की की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर आज समाअत थी। पेशी से कबल जो कि मदई पार्टी जो कि आपस में उन्होंने लातों से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। मदई पार्टी ने पसंद की शादी करने वाली लड़की की दुर्गत बना दी। माँ जो कि मनपसंद की शादी करने वाले लड़की से मुलाकात के लिए माँ वो दुआइयां देती रही। जसल से सरदार नईम ने आज लड़की की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर आज समाअत की थी। जो कि लड़की ने आज लड़की का कहना था कि वो ग्रेजुएट है, पसंद की शादी उसने अपनी मर्जी से की है, उसे जो कि उसके वालदैन जबरदस्ती साथ ले जाना चाहते हैं। जबकि माँ ने वो उसकी बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त एक लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर रखी थी। वालदा का कहना था कि मोहम्मद यूसुफ ने मेरी बेटी से धोखे से शादी की है। उसका कहना था कि यूसुफ बेटी को धोखे से ले गया और मिलने भी नहीं देता, जिस पर उसने लाहौर हाईकोर्ट में एक बाजियाबी की दुहास दायर की थी, जिसमें दोनों फरीक हैं वो आपस में बाहर कमरा अदालत के बाहर आपस में लड़ पड़े और सिक्योरिटी जो कि हाईकोर्ट की उन्होंने फिर दाखिल करके जो कि दोनों को तवील में लेकर मुतलका थाने वहां पे पहुंचा दिया। जी मुतलका थाने पहुंचा दिया गया है। नईम मलिक बहुत शुक्रिया आपका।